फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। पहले खबर फिर असर। तह से तहकीकात तक, जन जन से जुड़ा मुद्दा चाहे कुछ भी, हम पहुंचेंगे हर खबर की जड़ तक। देखिए मेरे साथ मुद्दा। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। गरीब को तो मरना ही है, चाहे वह कोरोना से मरे, भूख से मरे या फिर अपने घर आने की चाहत में। इसके लिए यदि उसे 1600 किलोमीटर पैदल चलना भी पड़े तो भी। लॉकडाउन ने गरीबी से उसकी दुश्वारियाँ या यूँ कहें कि मौत से दूरी कम कर दी हैं। अपने घर से दूर मजदूरी करना उसकी मजबूरी है। शायद मजदूर और मजबूरी दोनों ही एक दूसरे के प्राय हैं। यूँ तो कई उदाहरण हैं, लेकिन ताज़ा मामला सस्ते जिले का है। 1600 किलोमीटर का फासला पैदल तय कर घर अपने गांव पहुंचे युवक की 6 घंटे में ही रहस्यमय हालत में मौत हो गई। बेबस, बेचारगी, मासूमियत और मजबूरी का यह एक पहलू है। दूसरा पहलू यह भी है जो कि बेहद डरावना और सोचनीय है। RBI ने एक RTI के जवाब में बताया है कि उसने 50 लोगों का 68,607 करोड़ रुपया माफ कर दिया है। RBI की यह दरियादिली पाने वालों में वे सभी घोटालेबाज शामिल हैं जिन्होंने इस देश को लूटा और अब विदेश में अपना आशियाना बना लिया है। इसमें एक नाम राहुल चौकसी का भी है। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि NPA के लिए RBI के तय किए गए 4 साल के प्रावधान चक्र के हिसाब से नियम तय किए गए हैं। यह पूरा होने पर ही बैंक NPA को राइट ऑफ डालते हैं, लेकिन इसमें इन लोगों से वसूली की कोशिश जारी रखी जाती है। कोई कर्जा माफ नहीं किया गया है। पहले बात सिक्के के पहले पहलू की करते हैं। जिस दिन लॉकडाउन की घोषणा हुई, घोषणा में लागू होने में करीब 4 घंटे का अंतर था। पेट भरने के लिए घर से दूर गए लोगों का वापसी, अपने घर पहुंचना नामुमकिन था। रोजगार खत्म, सीमित राशन व अन्य दुश्वारियां, ऐसे में अपना घर ही नजर आता है। UP का आनंद विहार और मुंबई का बांद्रा स्टेशन इसकी वानगी भर है। तभी बहुत से लोगों ने परिवहन न मिलने पर पैदल ही घर तक पहुंचने का ठान लिया। कुछ घर भी पहुंच गए और कुछ भगवान के पास। ऐसा ही एक युवक मुंबई से शास्त्री जिले स्थित अपने घर के लिए निकला था। बीते सोमवार यानी परसों सुबह 7 बजे वह गांव पहुंचा तो उसे मौजूदा व्यवस्था ने 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया। 14 घंटे तो दूर, 6 घंटे में ही उसके रहस्य में ही हालत में मौत हो गई। यह घटना मलिकपुर क्षेत्र के मटखनवा गांव की है। अब रोने वाले रो रहे हैं, व्यवस्था वाले व्यवस्था देख रहे हैं और इन सब को बेबसी यूं ही खामोश देख रही है। ये युवक सिर्फ उदाहरण वह है। ऐसे कई मामले लॉकडाउन के बाद व्यवस्था को आईना दिखा रहे हैं। अब सिक्के का दूसरा पहलू। 24 अप्रैल 2020 को एक RTI के जवाब में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सनसनीखेज खुलासा किया। इसमें 50 बड़े घोटालेबाजों का 67,607 करोड़ रुपया माफ करने की बात बैंक ने स्वीकारी है। इस पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। आइए पहले कांग्रेस के मुख्यालय, जहां पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला जानकारी दे रहे हैं। बैंक लुटेरों द्वारा पैसा लूटो, विदेश जाओ, लोन माफ करवाओ, ट्रेवल एजेंसी का पर्दाफाश हो गया है। भगोड़ों का साथ और भगोड़ों का लोन माफ अब भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र बन गया है। याद करें 16 मार्च 2020 को श्री राहुल गांधी जी ने संसद के पटल पर देश के सबसे बड़े 50 बैंक घोटालेबाजों के नाम मोदी सरकार से पूछे। वित्त मंत्री और सरकार ने षड्यंत्रकारी चुप्पी साधकर ये नाम जाहिर करने से इनकार कर दिया। अब 24 अप्रैल 2020 को, जिसकी प्रतिलिपि मैं आपको भेज रहा हूं, एक RTI के जवाब में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए 50 सबसे बड़े बैंक घोटालेबाजों का 68,607 करोड़ रुपया राइट ऑफ करने की पुष्टि कर दी है। पूरा देश कोरोना की महामारी से लड़ रहा है। रोजी रोटी की मार के चलते करोड़ों मजदूर शहर छोड़कर गांव की ओर पलायन करने को मजबूर हो गए हैं।
CMI सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक 14 करोड़ लोग रोजगार से हाथ धो बैठे हैं, 113 लाख फौजी जवानों, मिलिट्री पेंशनरों और सरकारी कर्मचारियों का 37,530 करोड़ रुपया डेयरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता काट दिया गया है। सभी सरकारी व प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों, कंपनियों और व्यवसायियों से कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए हजारों करोड़ रुपया दान ले लिया गया है, पर शर्म की बात यह है कि इसके बावजूद मोदी सरकार बैंक डिफॉल्टरों का 68,607 करोड़ रुपया राइट ऑफ यानी माफ करने में लगी है। कांग्रेस के इन आरोपों के बाद भाजपा भी अब खुलकर के सामने आई है। उसने कहा है कि यह ऋण माफ नहीं किया गया, बल्कि इसके लिए निरंतर कोशिश की जाती रहेगी कि उसकी वसूली हो। इस बीच लोग बचने के लिए सैनिटाइजर से हाथ धो रहे हैं और घोटालेबाज देश की अरबों की संपत्ति से। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।